एवरी वन वेलकम टू करण क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो दिस इज़ योर लेक्चर नंबर ट्वेंटी एट ठीक है ट्वेंटी सेवन लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं सुपरवाइजर सिलेबस के तो so करंटली हम यूनिट थर्ड कवर कर रहे हैं आपके स्पेशलाइजेशन पार्ट का अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज़ मच एज यू कैन ताकि सबको पता चले कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये कोर्सेज मैं प्रोवाइड कर रही हूँ Uh, जल्दी में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट पोर्शन है आपके सिलेबस का जिसमें आपको हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी कवर करना है एंड इकोनमी वगैरह तो उसके वीडियोस भी जल्दी आपको मेरे चैनल पे दिखेंगे ठीक है तो अगर किसी को इन वीडियोस का पीडीएफ चाहिए उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी वो लिंक ज्वाइन करनी होगी उस लिंक पे जाना होगा और वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा और जो सारे पीडीएफ वगैरह हैं टेस्ट सीरीज़ एंड आपके जो स्कीम्स का पार्ट है उसका पीडीएफ वो सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो हमने विमेन राइट कर लिया ठीक है चाइल्ड राइट्स का भी कल हमारा इंट्रोडक्शन वगैरह कम्प्लीट हो गया है एंड चाइल्ड राइट के बारे में हमने काफ़ी जो इंटरनेशनल थोड़े कन्वेंशन वगैरह हमें पढ़ने थे लॉज किया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल सेक्शन वो सब हमारा कवर हो गया है आगे देखते हैं कि आज हमारा क्या रहता है कवर करने वाला ये सारा वुमेन के रिलेटेड कॉन्फ्रेंस वगैरह ये भी हो गया एंड देन योर चाइल्ड राइट्स ये सारी चीजें सेक्शुअल एक्सप्लॉटेशन अब्यूज किस किस फॉर्म में चाइल्ड को किया जाता है बॉन्डेड चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर Discrimination, ILO ने क्या कहा था कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन लॉज ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट पहले नाइनटीन एटी सिक्स में आया ठीक है फिर इसको टू थाउजेंड सिक्सटी में अमेंड किया गया तो आपको नाम से ही लग रहा होगा प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन दैट मीन इसमें आप क्या करोगे चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करोगे एंड कुछ उसको रेगुलेट दैट मीनस कुछ उसमें चेंजेस लेके आओगे मॉडिफिकेशन लेके आओगे तो क्या चीजें थी ये एक्ट प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन जॉब्स रिलेटेड टू जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स ठीक है ट्रांसपोर्टेशन का मैंने कल कहा गुड्स एंड मेल्स जैसे वो कैरी कैरेज ट्रेन होती हैं जो फ्रीड uh, कैरी करती हैं आपके गुड्स कैरी करती हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वहां पर क्या होता है आपको बड़े बहुत बड़ा सामान होता है वो अनलोड uh, करना होता है ठीक है गाड़ियों से निकालना होता है अनलोड फिर रीलोड गाड़ियों में दोबारा करना होता है तो ऐसे सब चीजें जो होते हैं वो बच्चों के लिए सही नहीं रहती हैं क्योंकि स्ट्रेंथ वाइज वो उतने ज्यादा अभी डेवलप नहीं होते सिंडर पिकिंग इज योर वहां पे एम्प्लॉयमेंट उनकी जहां पे आ, बर्न वुड हाफ बर्ंट वुड उनको कलेक्ट करना हो या किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ बर्ट कोल जो है उसके साथ उनका कुछ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो तो ये सारी चीज़ें या केटरिंग इस्टैब्लिशमेंट केटरिंग बिजनेस जो आपको ये खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो वाले इस्टेब्लिशमेंट्स जो रेलवे स्टेशन पर बने हुए हैं या रेलवे स्टेशन पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन चल चल रही है सेलिंग ऑफ एक्सप्लोजिवस एंड फायर वर्क जबकि फायर वर्क ये फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे फायर क्रैकर्स वगैरह बनते हैं वो सब स्लॉटर हाउसेज ठीक है एसेट्रा तो काफी कुछ प्रो, प्रो, ये थे प्रोफेशन जिनको इन्होंने हजारडस कहा था और उन हजारडस प्रोफेशन में चिल्ड्रेन जो है बिलो फोर्टीन आप उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो ठीक है फिर इसको एक्ट को अमेंड किया गया 2016 में और इसने कम्प्लीटली प्रोहिबिट किया एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इयर्स ऑफ़ एज इन ऑल ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ हजारडस की बात की थी टू था नाइनटीन एटी सिक्स में बाद में इन्होंने टू थाउजेंड सिक्सटीन में इसको अमेंड करके सारे ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन इसमें प्रोसेस में इसको लेके आए थे ऑल दो तो इसमें से भी कुछ एक्सेप्शन थी जो 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 हम आगे देखेंगे और इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था अगर कोई भी एम्प्लॉयर अगर कोई भी आपको जॉब दे रहा है किसी बच्चे को जो फोर्टीन ईयर से कम है ठीक है ऐसी कोई जॉब जो इस एक्ट के अगेंस्ट जा रही हो उन कामों में उसको जॉब दे तो ये जो ये है पनिशमेंट या ऑफेंस ये कॉग्निजेबल है देखो आपको अंडरस्टैंड करना होगा हमारे पास दो तरीके के ऑफेंसेस होते हैं एक आपका कॉग्निजेबल होता है एक आपका नॉन कॉग्निजेबल होता है अब ये यहाँ पे बोलना क्यों जरूरी है आपके लिए क्योंकि आपका कुछ कॉम्पोनेंट पॉलिटी का भी है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी चीजें आप अभी से समझो ताकि वहां पे आपको इजी हो जाए समझना हमारे पास ऑफेंसेस जो आपके कॉग्निजेबल हो सकते हैं या नॉन कॉग्निजेबल हो सकते हैं ठीक है सिंपल चीजें हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी बस आपको टर्म याद रखना है कॉग्निजेबल समझो खतरनाक ऑफेंस वो ऑफेंस जिसके लिए अ पुलिस ऑफिसर जो है उसको कोई परमिशन नहीं चाहिए होती है अरेस्ट के लिए वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है एंड वो इन्वेस्टिगेशन भी अपनी मर्जी से स्टार्ट कर सकता है विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम दी कोर्ट ठीक है वो कॉग्निजेबल होते हैं फॉर एग्जांपल कहीं पे रेप हो गया किसी का तो अगर रेप हुआ तो वो वेट नहीं करेगा उसको पहले मजिस्ट्रेट जो है कोर्ट से उसको ऑर्डर आए ठीक है फिर वो इन्वेस्टिगेशन करे फिर वो अरेस्ट वारंट इशू करे नहीं वो डायरेक्टली अरेस्ट कर सकता है एंड इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकता है जो आपका कंसर्न पुलिस ऑफिसर होगा लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है ये वो टाइप के ऑफ अरेस्ट होते हैं ये उतने खतरनाक वाले क्राइम्स नहीं होते हैं ठीक है इसमें क्या होता है पहले आपको अरेस्ट के लिए एक तो वारंट चाहिए होता है परमिशन लानी होती है एंड देन पहले कम्प्लेंट जानी चाहिए पुलिस स्टेशन ठीक है कम्प्लेंट लॉज की वो कंप्लेंट कहाँ जानी चाहिए मजिस्ट्रेट के पास आपके कोर्ट वो कम्प्लेंट जानी चाहिए देन मजिस्ट्रेट क्या करेगा वो इन्वेस्टिगेशन करो इस क्राइम की एक ऑर्डर इशू करेगा ठीक है उसके बाद जब वो ऑर्डर इशू होगा उसके बाद ही पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है इन्वेस्टिगेशन कर सकता है इनको हम बोलते हैं नॉन काग्निजेबल ऑफेंस ठीक है -cognizable offense, और कॉग्नीजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं जिसमें इमीडिएट अरेस्ट हो सकता है एंड इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन हो सकती है ठीक तो ये थोड़ा बहुत आपके लिए आप नोट्स में ऐड कर लेना यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में नहीं ऐड किए क्योंकि आपके डायरेक्टली ये स्पेशलाइजेशन का पार्ट नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है फिर इस एक्ट ने क्या किया इस एक्ट ने कहा अगर कोई भी एम्प्लॉयर है और वो ऐसे बच्चे को एम्प्लॉय कर रहा है जो कि अगेंस्ट जाता है इस एक्ट के रूलिंग के अकॉर्डिंग तो वो जो एक्ट है वो कॉग्निजेबल होगा दैट मीन्स वो इंसान उस एम्प्लॉयर को विदाउट वॉरेंट uh, एक ऑफिशियल वारंट के विदाउट भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है एंड वो अपनी मर्जी से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट भी कर सकता है और क्या बोला गया था जो चिल्ड्रन हैं बिटवीन 14 टू तो 18 इयर्स ऑफ एज उनको कैटेगराइज करो एज एडोलसेंट्स एंड दे आर नॉट अलाउड टू वर्क इन अभी तक हमने बात की बिलो 14 इयर्स ऑफ एज की ठीक है तो बिलो 14 अब के लिए सारे एम्प्लॉयमेंट जो है वो बैन हो गई सारे ऑक्युपेशन उनके लिए बैन है हजार्डस नॉन हजार्डस अब बात करेंगे फोर्टीन टू एटीन की ये आगे, आगे आपके एडोलसेंट्स ठीक है ये आपके टीन वाली कैटेगरी में आगे तो दे आर नॉट अलाउड टू वर्क इन हजार्डस ऑक्यूपेशन दैट मीन्स नॉन हजार्डस इनके लिए ओपन है नॉन हजार्डस ठीक है अब अगर किसी के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जो बच्चे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं आपके मूवीज़ में सीरियल्स वगैरह में काम करते हैं वो तो छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं ठीक है तो वो कैसे फिर बिलो फोरटीन अलाउड है क्योंकि बिलो फोरटीन तो ऑल काइंड ऑफ ऑक्युपेशंस बैंड है तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए हैं किसी चीज़ों को जो एग्जिस्टिंग लॉ है इंडिया में परमिट करता है एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन इन एंटरटेनमेंट या एडवर्टीज़मेंट इंडस्ट्री में क्योंकि ये वाले जो ऑक्यूपेश दे आर नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट एंड फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन इन दो एक्ट के अंडर ये वाले जो एम्प्लॉयमेंट है ये कवर नहीं होते हैं तो बेसिकली इसमें क्या आप कर सकते हो इसमें आप उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो काम कर सकते हैं लेकिन देन अगर आप इस इन रूलिंग्स के भी अंदर जाओगे लॉज में जो इनको परमिशन देगा इन कामों में ये करने के लिए इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करने के लिए उसमें भी आपको काफी फिर पॉइंट्स एंड एक्सेप्शन मिलेंगे कि कितने आवर्स तक काम कर सकते हैं क्या एंड ऑल तो आपको उतना उस डिटेल में नहीं जाना है बट आ, हो सकता है एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाए तो यू शुड नो कि वो आ, जो ये काम है एंटरटेनमेंट एंड एडव एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री का दे आर नॉट कवर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट एंड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट तो वहां पे आप उनको एम्प्लॉयमेंट परमिट करते हो और चिल्ड्रन दे विल बी एबल टू वर्क इन फैमिली बिजनेस अपने फैमिली का अगर बिजनेस होगा एंड अगर दूसरी फैमिली का कोई बिजनेस होगा कोई फैमिली बिजनेस होगा चाहे वो किसी और की फैमिली भी हो वहाँ पे भी उनको अलाउ किया जाता है काम करने के लिए ओनली इफ कि वो जो काम है वो नॉन हजार्ट है वो किसी ऐसे काम के साथ डील करते हैं जो कि खतरनाक जानलेवा नहीं है वहाँ पे जो चिल्ड्रन है दे आर अलाउड टू वर्क ये किस में किया था इनने ये आपका आया था अमेंडमेंट 2016 में फिर लॉज बने हैं बैन करने के लिए डोमेस्टिक वर्क जो आप डोमेस्टिक हेल्पर्स ढूंढते रहते हो ना उनके लॉज देख लो 2006 में अक्टूबर में इंडियन गवर्नमेंट टुक अनदर वेलकम स्टेप उन्होंने क्या किया बैन किया डोमेस्टिक वर्क को एंड सम अदर फॉर्म्स ऑफ लेबर बाय चिल्ड्रन अंडर 14 एज तो उनके लिए वो बैंड है वो कहाँ काम नहीं कर सकते हैं डोमेस्टिक सर्वेंट्स एम्प्लॉयड इन होटल्स रेस्टोरेंट्स डाबा वहाँ पे वो काम नहीं कर सकते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग चिल्ड्रेन वर्किंग इन सच पोजिशन उनको वहाँ से रिमूव करना चाहिए एंड रिहेबिलिटेट करना चाहिए दैट मीन्स उनको कहीं एक इंस्टीट्यूशन में अगर वो आ, उनके पेरेंट्स नहीं हैं तो उनको किसी एक इंस्टीट्यूशन में भर्ती करना चाहिए जहाँ पर उनकी वेल well, ग्रूमिंग और उनको सारी जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करनी चाहिए ठीक है और अगर पेरेंट्स जिंदा है उनको वापस अपने पेरेंट्स के पास भेज के उनकी मॉरल और सोशल फिजिकल डेवलपमेंट इस पर ध्यान देना चाहिए ठीक है और जो लोग ऐसे बच्चों को इलीगली यूज कर रहे हैं दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड ठीक है उनको क्या करना चाहिए उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए इस चीज की ऐसे बच्चों को इलीगली एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट देने की ठीक है तो ये कुछ लॉज बने हैं इंडिया में बैन करने के लिए डोमेस्टिक वर्क को और हमारे पास एक दो एक्ट है एक्ट तो काफी हैं आपको चाइल्ड राइट को लेके भी काफी आएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक्ट जो है अगर वो लेबर से ही रिलेटेड है ठीक है या किसी और चीज से रिलेटेड है हर कोई एक्ट जो कहीं ना कहीं किसी एक क्लॉज में बच्चों के राइट की बात करेगा ही ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे वही वाले मैंने सिर्फ इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट तो ये बेसिकली किसके लिए लाया है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट एक्ट तो ये वुमेन ट्रैफिकिंग के लिए है ठीक है तो इसमें एक क्लॉज आपका बच्चों का भी आता है

ये कहते हैं आपका फैक्ट्री एक्ट नाइनटीन अब जुवेनाइल सिस्टम देख लेते हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम अब देखो अगर क्राइम होता है ठीक है तो आपके पास कोर्ट है उनको पनिश करने के लिए लोगों के लिए लोगों को पनिश करने के लिए जो क्रिमिनल्स होते हैं लॉज बने लेकिन अगर वो क्राइम आप कोई बच्चा करता है चाहे वो फोर्टीन ईयर्स से कम हो या फोर्टीन टू सिक्सटीन ईयर्स में कैटेगरी में बिलोंग करता हो तो आप उनको क्या वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे आप एक एडल्ट को ट्रीट करोगे चालीस पचास साल के इंसान को ट्रीट करोगे या तीस साल के इंसान को जैसे आप छोटे बच्चे को ट्रीट करोगे किसी एक क्राइम पे तो इसीलिए जस्टिस सिस्टम हमारा ऐसा है कि जुवेनाइल्स जो है आपके जो बच्चे हैं उनके लिए अलग लॉज बने होते हैं उनको टैकल करने का उनके क्राइम्स को टैकल करने का तरीका अलग होता है अब ये जो हमारा जस्टिस सिस्टम है जो जस्टिस सिस्टम हमारे जो एक्ट है इसमें टू थाउजेंड एक तो पुराना एक्ट जो चल रहा था ठीक है उसके बाद टू थाउजेंड फिफ्टीन में इसको अमेंड किया गया फिर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में इसको फर्दर अमेंड किया गया तो हमें इसके दो तीन अमेंडमेंट्स देखनी है ठीक तो चिल्ड्रन इन जनरल हमें पता है वो इनोसेंट होते हैं लेकिन कई हालातों की वजह से उनसे भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है तो एज पर इंडियन लॉ नथिंग इज एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय अ चाइल्ड बिलो सेवन इयर्स ऑफ एज ठीक है अगर कोई सात साल से छोटा है उसने कोई क्राइम uh, कमिट किया तो उसके लिए उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी If a child, अब ये ध्यान से सुनो बॉय अंडर सोलह साल से कम का लड़का एंड अठारह साल से कम की लड़की इफ दे कम इट एन ऑफेंस तो चाइल्ड हैज टू बी ट्रीटेड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट टू थाउजेंड ठीक है अगर लड़का होगा सिक्सटीन ईयर से कम एंड लड़की होगी एटीन ईयर से कम उन्होंने कोई क्राइम किया ठीक है कोई सपोज कोई चोरी की या क्राइम पेट्रोल देखते हो तो मर्डर भी इस एज के ग्रुप बच्चे कर सकते हैं तो वो भी किया तो उनको आप वैसे ट्रीट नहीं करोगे जैसे आप एडल्ट क्रिमिनल्स को करते हो उनके लिए अलग रूल्स बने हैं वो रूल्स हमें डिटेल में नहीं पढ़ने हैं बस हमें इतना याद रखना है वो जे जे एक्ट आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट टू थाउजेंड ने कहा था अब इस एक्ट को फिर अमेंड किया गया अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं आपके जो अर्लियर डील करते थे जुवेनाइल्स को वो थे आपके जुवेनाइल डेलिनक्सी लॉ एंड जे एक्ट जे ऑफ 2000 बाद में टू थाउजेंड फिफ्टीन में बिलो 16 इयर्स ऑफ एज होंगे एक मिनट पे पहले ये इरेज कर देती हूँ सारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ तो 2000 थाउजेंड जे जे एक्ट जो था उसने क्या कहा था लड़के होंगे बिलो 16 एंड लड़कियां होंगी बिलो एटीन फिर इसको अमेंड किया गया 2015 में उसने कहा नहीं जुवेनाइल हर वो इंसान है जो बिलो 18 इयर्स ऑफ एज है ठीक है इसमें ये अमेंडमेंट आई प्लस और एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें क्लॉज ऐड हुआ कि द एक्ट इंक्लूडेड द क्लॉज फॉर जुवेनाइल जो 16 से 18 इयर्स के बीच में होंगे अगर वो कोई हीनियस ऑफेंस करेंगे ठीक है प्लानिंग प्लॉटिंग करके किसी का मर्डर किया ठीक है ऐसे कोई खतरनाक क्राइम्स किए जो जिसको आप हीनियस ऑफेंस मतलब जिसको कोई नॉर्मल बच्चे वाला ऑफेंस कंसिडर नहीं कर सकते रेप कर दिया किसी का मर्डर किया तो उस केस में 16 से 18 का जो बच्चा है अगर वो हीनियस क्राइम कमिट करेगा उसको वैसे ही सजा दो जैसे एक अडल्ट को मिलती है ठीक है तो दैट मीन्स वही कोर्ट प्रोसीडिंग्स और वही लॉज जो एडल्ट के लिए बने हुए हैं अगर वो हीनियस क्राइम्स करें तो 16 से 18 ईयर एज ग्रुप में अगर कोई करेगा उसको एडल्ट की तरह ट्रीट करो अदरवाइज जुवेनाइल को क्या बोला गया है बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज दैट मीन्स अगर कोई हीनियस क्राइम नहीं है कोई छोटा मोटा गलती से कोई क्राइम हो गया तो आप उसको एज जुवेनाइल ट्रीट कर सकते हो लेकिन अगर ये 16 से 18 के एज ग्रुप में आ गया दैट मीन 16 प्लस ये हो गया और कोई हीनियस क्राइम करेगा फिर उसको एक एडल्ट की तरह ट्राई करो दैट मीन उसको एडल्ट की तरह पनिश करो एंड वही सारे जो लॉज एंड एक्ट है उस उसपे अप्लाई करो ये इस अमेंडमेंट एक्ट ने कहा था उसके बाद इसको 2021 में फिर से अमेंड किया गया एंड काफी प्रोविजंस 2015 के इसमें चेंज किए गए वो काफी डिटेल्ड एक्ट है आपको इतनी डिटेल में नहीं देखना अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या लाई थी इसमें कहा था जो भी क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है जो भी क्राइम करते हुआ बच्चों के ठीक है जो जो 2015 में वो crimes में जो imprisonment में वो होगी उन जिनकी सजा होती है थ्री टू सेवन इयर्स उनको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोला जाएगा फिर से आ गया नॉन कॉग्निजेबल ठीक है मैं रिपीट करती हूँ जो भी क्राइम बच्चे के खिलाफ हुआ वो क्राइम जो जे जे एक्ट में जो भी क्राइम्स क्राइम है इन चैप्टर जिसका नाम है अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन तो जो जेजे एक्ट जे 2015 है उस एक्ट में एक चैप्टर है जिसमें डिटेल दी गई हुई है अदर ऑफेंसेस की ठीक है अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन अगेंस्ट चिल्ड्रन तो अगर किसी ने अभी ऑफेंस किया अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन तो उस ऑफेंस के केस में जिसमें सजा होती है थ्री टू सेवन ईयर्स ठीक है किसी ने वो ऑफेंस किया उसको ट्रीट किया जाएगा एज नॉन कॉग्निजेबल एग्जाम्पल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल बच्चे होते हैं काफी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रहते हैं जैसे एनजीओस कोई शेल्टर प्रोवाइड करे ठीक है या ऐसे फॉस्टर होम्स बने होते हैं जहां पे जिनका कोई नहीं होता या ऑफन एजेस होते हैं बच्चे वहां पे होते हैं सपोज वहां का कोई काम करने वाला है ठीक है कोई एम्प्लॉय है वहां का वो जो एम्प्लॉय है वो कोई क्राइम कमिट करता है किसी बच्चे के साथ कुछ गलत किया उसने ठीक है और वो जो क्राइम है वो फॉल करता है अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन में चैप्टर में जो मैं जे जे एक्ट 2015 में अगर वो ऐसा कोई क्राइम करेगा जो जे जे एक्ट 2015 में अदर ऑफेंसेस चैप्टर में है तो उसके क्राइम को ट्रीट किया जाएगा एज नॉन कॉग्निजेबल तो इसमें क्या होगा जब नॉन कॉग्निजेबल ट्रीट किया जाएगा वो जो इंसान है जिसने वो अदर क्राइम किया है उसको इमिजिएटली अरेस्ट आप नहीं करोगे विदाउट वारंट एंड उसके खिलाफ आप इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं कर सकते जब तक आपको कोर्ट का ऑर्डर ना मिले ठीक है तो ये इसके नॉन कॉग्निजेबल बोलने का मतलब है आई होप इट्स क्लियर मैंने ये काफी डिटेल में और तोड़ तोड़ के आपको समझाने की कोशिश की नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेंट्रल एडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जिसको कारा बोलते हैं शॉर्ट में तो बेसिकली जो अमेंडमेंट हुआ था 2021 में इसमें अडोप्शन रिलेटेड चीजें भी कुछ ऐड करी गई थी ठीक है आपको इतना डिटेल में एक्ट नहीं देखना लेकिन इस एडोप्शन के बारे में बात हुई थी तो ये जो बॉडी है अडोप्शन की एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए चाइल्ड राइट तो ये पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये स्ट्रेटेचरी बॉडी है जो काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर काम करती है एंड इट इज अ स्ट्रटेचरी बॉडी अब आप सोच रहे हो कि स्ट्रेटेचरी बॉडी क्या होता है तो आप ज्यादा नहीं सोचोगे मैं आपको बताऊंगी तो बेसिकली हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडिया में ऐसी कोई बॉडीज uh, बनी हुई हैं जो काम करती है फॉर एग्जाम्पल आपका इलेक्शन कमीशन है ठीक है इलेक्शन कमीशन है वो क्या करता है इलेक्शन कंडक्ट करवाता है ये एक बॉडी है एंड आपका यूपीएससी है वो क्या करता है एग्जाम्स कंडक्ट करता है ऑल इंडिया लेवल के आई वगैरह वो कौन कंडक्ट करता है यूपीएससी आपका स्टेट पीएससी है पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे जम्मू कश्मीर में क्या है जेके पी तो वो क्या करता है स्टेट लेवल एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करता है तो ये कुछ बॉडीज़ हैं अब ये बॉडीज़ जो है ना ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है अंडर वेरियस आर्टिकल्स हम जो आर्टिकल इस टाइम याद नहीं आ रहा किसी एक आर्टिकल में बोला हुआ है कि इलेक्शन कमीशन सेटअप करो किसी आर्टिकल में यूपीएससी का बोला हुआ है मतलब एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए तो ऐसी सारी बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन होती है उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ठीक है अब वो बॉडीज जिनकी हमें लेटर जरूरत पड़ती है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी गिवन नहीं होती है तो उनके लिए क्या होता एक है Parliament एक एक्ट लेके आते हैं पार्लियामेंट एक एक्ट लाता है एंड थ्रू एन एक्ट उसको इस्टेब्लिश करते हैं फॉर एग्जाम्पल नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है जो औरतों के लिए कमीशन है वो सेटअप किया गया था ऐसे ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट के लिए जो 1990 में लाया था ठीक है तो ऐसी बॉडीज जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से एस्टेब्लिश की गई हो उनको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज ठीक है तो ये कब फाउंड हुआ था 1990 में और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला था अंडर जेजे एक्ट जे ऑफ 2015 तो ये क्या करता है मैनेज आपके जो ऑफर या सरेंडर्ड या अबेंडेंट चिल्ड्रन होते हैं उनको ये रेगुलेशन वगैरह करता है इन कंट्री एंड इन कंट्री एडॉप्शंस ठीक है तो कंट्री के आपस में या कंट्री के इन जो भी अडोप्शन रिलेटेड जो भी काम होता है आपका जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बॉडी है उसके लिए वो है आपकी कारा वो एक स्ट्रेटेजरी बॉडी है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यूनिसेफ काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है क्योंकि चाइल्ड राइट्स की बात हो रही है तो इसके बारे में पढ़ना भी बनता ही है ये एक स्पेशल प्रोग्राम है किसका यूनाइटेड नेशन का जो क्या करता है वो हेल्प करता है नेशनल एफर्ट्स दैट आपके डिफरेंट कंट्रीज की हेल्प करता है तो रीजनल लेवल पे भी ये काम कर रहा है किस सिलसिले में हेल्प करता है इंप्रूव करने के लिए हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन और बच्चों के जनरल वेलफेयर के लिए तो किससे रिलेटेड है आपके चाइल्ड राइट्स से ठीक है तो ये कब क्रिएट हुआ था 1946 में Uh, किस नाम से इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड बाय यूएन रिलीफ रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन और कब किया गया था ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद देखा गया था कि बच्चों पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था तो फिर एक बॉडी होनी चाहिए थी जो खासकर उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए एड्स वगैरह प्रोवाइड करे और उनकी हेल्प करने की कोशिश करे तो वो एक फंड क्रिएट किया गया था इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड के नाम से जो फिर आपका क्या बना था यूनिसेफ जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड ये परमानेंट पार्ट बन गया यूनाइटेड नेशंस का 1953 में ठीक है इट इज मैंडेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू एडवोकेट क्या करता है काम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट हेल्प मीट देयर बेसिक नीड्स एंड एक्सपैंड देर अपॉर्चुनिटीज टू रीच देयर फुल पोटेंशियल तो बच्चों के वेलफेयर के लिए इन शॉर्ट आपको याद रखना है बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रख सकते हो कब क्रिएट हुआ था यूएन का पार्ट कब बना था एंड क्रिएट हुआ था एज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कब वर्ल्ड वॉर टू के बाद तो ऐसे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं एंड इसको गाइड कौन करता है आपका सीआरसी जो ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया आपका यूएन सी आर सी ठीक है इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था नोबेल प्राइज फॉर पीस यूनिसेफ को अपने काम के लिए नाइनटीन सिक्सटी फाइव में किस वजह से फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड अमंग द नेशंस क्योंकि सारे नेशंस मिलके बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे तो कहीं ना कहीं कही नेशंस के बीच की यूनिटी की बात भी है सॉलिडॅरिटी की बात भी इसे सामने आई थी तो इस वजह से पीस इसने स्प्रेड किया था अमंग कंट्रीज उस वजह से इसको नोबेल पीस प्राइस मिला था नाइनटीन में इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में तो आपको ये याद रखना यूनिसेफ के रिगार्डिंग और एक चीज याद रखनी है करंट अफेयर्स में भी है एटींथ फेब्रुवरी 2023 को जो यूनिसेफ इंडिया है क्योंकि रीजनल लेवल पे भी काम करता है कंट्रीज को आपस में काम करवाता है तो जो उसका इंडिया पार्ट है उसने अपॉइंट किया था आयुष्मान खुराना को एज द नेशनल एम्बेसिडर ऑफ यूनिसेफ जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा यूनिसेफ पे ठीक है तो वो कौन है हमारा इंडियन एम्बेसडर टू यूनिसेफ आयुष्मान खुराना उसको अपॉइंट किया गया था एटीन फेबर ट्वेंटी में तो ये चीज भी आपको याद रखनी होगी अब देखते हैं थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन कुछ थोड़ी बहुत स्कीम्स देखेंगे लीगल प्रोविजंस के साथ साथ कुछ स्पेशल मेजर्स भी अडॉप्ट किए गए हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन तो उसमें एक इंपॉर्टेंट स्कीम आती है आपकी आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आईसीडीएस इसको मैं यहाँ पे करेक्ट कर लेती हूँ आईसीडीएस ठीक है तो जो आईसीडीएसए कब लॉन्च हुई थी 1975 में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम अब देखो जब आप स्कीम्स का नाम सुनते हो क्योंकि स्कीम्स भी हमें पढ़ना है तो ये बेसिक आपके लिए जानना जरूरी है मैं क्यों आपको ये बेसिक बेसिक चीजें बताती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्योंकि जस्ट बिलीव मी अगर आप सिर्फ रटा करोगे ना आई हैव सीन वेरियस टीचर्स जो आपको सिर्फ एमसीक्यू से पढ़ा रहे हैं आप उसे क्या ग्रास्प करोगे आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो जाएगा बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि यू नेवर नो आपको क्वेश्चन फैक्चुअल आ जाए या थोड़ा वैसा क्वेश्चन आ जाए जा जिसमें आपको अपनी सोच समझ यूज करनी हो तो आपके लिए थोड़ा कंसेप्ट चीजों का क्लियर रखना जरूरी है इसी वजह से मैं आपको साथ साथ में एग्जाम्पल्स दे समझाती हूँ ताकि आपका बेसिक जो है वो क्लियर रहे तो ही आप फैक्ट्स मेमोराइज कर पाओगे अब यहाँ पे बात उठी स्कीम्स के रिलेटेड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हमारे पास अब स्कीम्स देखोगे कहीं पे लिखा होगा कोई स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और कोई स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है जो स्कीम स्कीम सेंट्रल सेक्टर होती है उसको हंड्रेड परसेंट कौन फंड करेगा आपका सेंटर वो सेंटर की ही स्कीम होगी वो हंड्रेड परसेंट आपको उसको पैसे देगा जो स्पॉन्सर करेगा सेंटर दैट मीन्स उसका कुछ पार्ट आपको सेंटर देगा एंड कुछ पार्ट जो स्टेट में वो स्कीम अप्लाई की गई होगी इंप्लीमेंट की गई होगी कुछ पार्ट वो स्टेट देगी फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या हिली एरिया स्टेट हैं जिसमें अभी तक आपका जे भी आता था उसमें 90 टेन यूजली रेशियो होता है परसेंट आपका सेंटर देगा एंड टेन परसेंट पैसे उस स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए स्टेट देंगे वैसे ही आपके कोई स्पॉन्सर होता है फिफ्टी फिफ्टी रेशियो में कि फिफ्टी परसेंट जो है वो सेंटर देगी एंड फिफ्टी परसेंट जो है वो स्टेट देगा तो ये चीज चेंज होती रहती है एंड कुछ स्कीम्स होंगी सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो हंड्रेड फंड कहाँ से आएगा सेंटर से आपके डेली से ठीक है तो वो चीज आपको याद रखनी होगी ये डेली में भी कंफ्यूज नहीं होना जब मैं डेली बोलती हूँ तो ये डेली गवर्नमेंट नहीं है केजरीवाल की आप गवर्नमेंट डेली गवर्नमेंट आपका सेंटर पार्लियामेंट वो वाली बात हो रही है ICDS was launched in 1975 आईसीडीएसर स्कीम है विद द कुछ ऑब्जेक्टिव है इसके ये आप देख लोगे सिंपल सिंपल सी चीजें हैं न्यूट्रिशन के लिए साइकोलॉजिकल फिजिकल सोशल डेवलपमेंट के लिए रिड्यूस करना इंसिडेंट्स ऑफ मॉडिलिटी मोबिलिटी माल न्यूट्रिशन स्कूल ड्रॉप आउट्स अचीव करना इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन इन्हांस करना कैपेबिलिटी ऑफ द मदर टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एंड न्यूट्रिशन नीड्स ठीक है कोई सिंपल सिंपल सी चीजें जो आपको देखनी है भी कंफ्यूज नहीं हो जाना मॉर्टर्निटी आपका होता है जो डेथ होता है मॉबिलिटी इज योर डिजीज वगैरह के रिलेटेड ठीक है और एक नेशनल चार्टर आया था फॉर चिल्ड्रन एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो अडॉप्ट की थी गवर्नमेंट ने और इसको नोटिफाई किया गया था नाइन्थ नवंबर टू थाउजेंड नाइन्थ फेब्रवरी टू थाउजेंड फोर में ठीक है इसने क्या हाईलाइट किया था रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट और कम्युनिटी की टुवर्ड्स द चिल्ड्रन तो इसके लिए आपके लिए याद रखने के लिए क्या पॉइंट बनता है इसको कब नोटिफाई किया गया था नाइन्थ फेब्रुवरी टू थाउजेंड फोर तो नेक्स्ट देखते हैं आपका नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट काफी इंपॉर्टेंट कमीशन है ठीक है जैसे आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है नेशनल कमीशन फॉर एससीज एस टीज है फॉर बैकवर्ड क्लासेज है वैसे आपका चाइल्ड राइट right के लिए भी एक कमीशन सेटअप किया गया है और ये कब ल, आ, किस एक्ट के थ्रू लाया गया था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट सीपीसीआर एक्ट टू थाउजेंड फाइव में ठीक है अब सिंस ये एक एक्ट से लाया गया था तो यू you नो know, इसको हम क्या बोलेंगे ठीक है स्टैट्यूटरी बॉडी अब ये क्लियर हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अलग होती हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज हमारी अलग होती हैं ये जो कमेटी है इसमें एक चेयरपर्सन होगा प्लस इसमें सिक्स मेंबर्स होंगे जो मेंबर्स किन फील्ड्स के होने चाहिए चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड फील्ड हो एजुकेशन हो चाइल्ड केयर डेवलपमेंट जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर चाइल्ड साइकोलॉजी सोशियोजी एंड लॉज रिलेटिंग टू चिल्ड्रन जो भी ये सारे डिपार्टमेंट्स में काम करते होंगे ठीक है वही आपके सिक्स मेंबर्स बनेंगे जो पार्ट है इस कमेटी का एंड आपका एक चेयरपर्सन होगा ठीक है <coughs> ये कमीशन के पास पावर है टू इंक्वायर इन टू और ले सकता है सो मोटो नोटिस ऑफ मैटर्स यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना सो मोटो नोटिस ऑफ मैटर्स अब मैं यहाँ पे आपको ये चीज थोड़ा बताती हूँ क्योंकि अगेन आपको पॉलिटी पढ़ना है जो मैं पढ़ाऊंगी फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें आपके लिए फिर समझना इजी हो जाएगा तो बेसिकली सोओ मोटो क्या होता है फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फंडामेंटल राइट right है ठीक है जो आपको दिया गया है बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड वो फंडामेंटल राइट right कोई ब्रीच कर रहा है कोई तोड़ रहा है ठीक है आपको वो फंडामेंटल राइट right जो है वो आप पूरा एंजॉय नहीं कर पा रहे हो किसी रीजन की वजह से अब आप क्या करते हो आप कुछ नहीं करते हो आप कोर्ट अप्रोच नहीं करते हो इस केस में आप वैसे अपनी जिंदगी जी जी रहे हो लेकिन कोर्ट क्या करता है वो अपनी मर्जी से उसके खिलाफ एक्शन लेता है ठीक है वो क्या करेगा वो खुद से इस चीज में ये करेगा इन्वॉल्व हो जाएगा कि आपका फंडामेंटल राइट क्यों ब्रीच हो रहा है ऑल्दो आपने कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं की है लेकिन कोर्ट की नोटिस में आया एंड उसने क्या किया किसी लोगों का फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा था उसने खुद से इसमें जो है इंटरवीन किया इंटरफेयर किया तो उसको बोलते हैं सो मोटो एक्शन जो एक्शन ऑन इट्स ओन हो विदाउट एनी लीगल कंप्लेंट ठीक है वो खुद ही कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी अब इस बॉडी को सो मोटो नो पावर्स दिए गए हैं दैट मीन्स ये खुद अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है बच्चों के साथ बच्चे कहा ही जाके कंप्लेंट करेंगे नहीं कर सकते ना तो बच्चों के कंप्लेंट नहीं आएगी फिर भी इस बॉडी के पास सो मोटो नोटिस है दैट मीन्स विदाउट एनी लीगल कंप्लेंट ये बॉडी जो है खुद इसमें इंटरवीनर इंटरफेयर कर सकती है एंड फर्दर आगे जो भी एक्शन होगा वो लेगी तो उस चीज को हम बोलते हैं सुवो मोटो ऑन इट्स ओन तो ये आपको आगे फंडामेंटल राइट में भी काम आएगा अब रिसेंट कुछ करंट डेवलपमेंट देखते हैं पहली बार यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है इसने रिक्नाइज किया कि बच्चों को राइट right दो राइट टू क्लीन एंड हेल्थी सस्टेनेबल एनवायरमेंट का भी ठीक है अभी तक जब चाइल्ड राइट की बातें हो रही थी तो उनके साथ जो वायलेशंस हो रही थी वो लेबर के रिलेटेड हमने देखा हमने उनके अब्यूज़ के रिलेटेड देखा ठीक है वो सारी चीज़ें हमने देखी उनकी ट्रैफिकिंग के रिलेटेड देखा तो उस रिलेटेड सारी बातें हुई उनकी हमें फिजिकल मॉरल सोशल डेवलपमेंट करनी है लेकिन एनवायरमेंट के जो राइट्स हैं उनके बच्चों के वो अभी तक हमने नहीं देखे थे कहीं पे भी तो यूएन ने रिसेंटली क्या किया एक फ्रेमवर्क बनाया जिसमें कहा कि राइट टू क्लीन एनवायरमेंट क्लीन एंड हेल्थी सस्टेनेबल एनवायरमेंट उसमें आप बच्चों को भी इंक्लूड करो और उस पॉलिसी का बोलते हैं जनरल कमेंट नंबर 96 जहां पे चीज़ डिस्कस हुई है और ये अडॉप्ट किया गया 2023 में तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क देता है एड्रेस करने के लिए ऐसे इशूज को ठीक है ताकि बच्चे जो है वो कम क्लीन एंड हेल्थी एनवायरमेंट भी एंजॉय कर सके सस्टेनेबल क्या होता है जब आप कहीं पर कोई काम कर रहे हो अगर कहीं पे कोई डेवलपमेंटल वर्क चल रहा है कहीं पे फॉर एग्जांपल माइनिंग का काम चल रहा है ठीक है या कोई आप कोई प्लांट सेटअप कर रहे हो कहीं पे कोई आ, बड़ा कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो तो डेवलपमेंट के काम के साथ साथ आपको ये देखना है वहाँ पे एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो जहाँ पे एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं हो रहा है और आपकी डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है तो उस टाइप की डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना क्योंकि आगे, आगे आपको इन्वायरमेंट जोग्राफी ये सारी रिलेटेड चीजें वो भी टॉप आगे सिलेबस में है आपके तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने और एक चीज की चाइल्ड राइट के रिगार्डिंग uh, एडॉप्ट की है एक नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 में कब एडॉप्ट की टू थाउ ट्वेंटी सिक्स अप्रेल टू तो ये डेट भी याद रखना इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिकोगनाइज किया गया है हर पर्सन को बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स एज अ चाइल्ड एंड ये कवर करता है सारे बच्चे विद इन द ऑफ द कंट्री तो किसको ट्रीट करेंगे एज चाइल्ड बिलो द एज ऑफ एटीन इयर्स अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाना जब हमने लेबर लॉज पढ़े तो हमने एज पढ़ी बिलो फोर्टीन वो हमने लेबर वहां प्रोटेक्शन में आया था वो फिर हमने आगे जाके जुवेनाइल लॉज पढ़े तो जुवेनाइल में जो रिसेंट अमेंडमेंट हुई ट्वेंटी ट्वेंटी वन में उसने क्या कहा बिलो एटीन जो भी होंगे उनको आप ट्रीट करोगे एज चाइल्ड ठीक है तो बोला ये 2015 अमेंडमेंट में भी यही था कि बिलो 18 आप चाइल्ड ट्रीट करोगे 21 में भी कंटिन्यू हुआ प्लस 15 में कोई और बातें सामने आई कि 16 से 18 लेकर जो भी हीनियस क्राइम करेगा उसको आप ट्राई करोगे एज एन एडल्ट ठीक है तो जब हमने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पढ़ा तब आपने डिफरेंट एज ग्रुप्स पढ़ी तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना ये जो फोर्टीन बिलो थी ये स्पेसिफिकली आपकी लेबर को लेके थी ठीक है तो इस पॉलिसी ने कहा हर पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 आपका क्या है एक चाइल्ड कैटेगरी में आता है और इसमें कौन से बच्चे कवर होते हैं जो सारे आपके इंडियन टेरिटरी जोशन में आएंगे इस पॉलिसी ने आइडेंटिफाई किए चार की प्रायोरिटी एरिया सर्वाइवल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पहला एजुकेशन एंड डेवलपमेंट दूसरा प्रोटेक्शन बच्चों को एंड पार्टिसिपेशन अगर आप याद करो हमने ये की पॉइंट जो है हमने कहीं और भी पढ़े थे तो हम जो कॉमेंट्स में लिखो ये सारे की पॉइंट्स हमने कहाँ पे देखे थे और बेस्ड ऑन दिस जो पॉलिसी लाई थी 26 अप्रैल 2013 को मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बच्चों के लिए भी डेवलप किया है उसमें बेसिकली इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात हुई है उस ड्राफ्ट में एंड उसको एक्सप्लेन किया है तो ये था आपका चाइल्ड राइट के रिलेटेड टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो गया हो मुझे कॉमेंट से बताएं आपको वीडियो कैसा लगा कोई अगर क्वेरी है आप मुझे डायरेक्टली uh, या तो कॉमेंट कर सकते हैं कॉमेंट नहीं करना चाहते तो आप मुझे करंट करंट फोर वन वन जी मेल डॉट कॉम पर मेल कर सकते हैं सो टिल द टाइम अपलोड नेक्स्ट वीडियो बो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे